वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नरिश एजुकेशन। आज मैं कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं लाई हूँ, लेकिन ये एजुकेशन के लिए ही है। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, आज मैं आपको कुछ सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ सिखाऊंगी, वो है एक ऐप जिसमें जो ट्वीन क्राफ्ट नाम का ऐप है, वो मैं आज उसका रिव्यू आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अपने चैनल में इससे रिलेटेड भी दो वीडियोस बनाए हैं जो जोक्स हैं, आप इनके थ्रू जोक्स या फिर कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले क्रिएट स्टोरी पर। ये हम गए क्रिएट स्टोरी पर और इसी के अंदर जो आपको ब्लू एरो दिख रहा है हमें वो प्रेस करना है। और इसके अंदर हम सबसे पहले हमारी स्टोरी का बैकग्राउंड डिसाइड करेंगे। तो इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स बैकग्राउंड दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और जैसे मुझे सिलेक्ट करना है जो बैकग्राउंड, वो है एक क्लासरूम का बैकग्राउंड। तो मुझे एक क्लासरूम का बैकग्राउंड चाहिए, उसके लिए मैं सिलेक्ट कर लूँगी ये वाला। और इसके लिए मुझे दो ऐड देखने पड़ेंगे फ्रेंड्स, तो हम इसे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है क्लासरूम का वो आ गया है। अब हम वापस से ब्लू पर जाएंगे और वहीं से हम हमारे कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक मैडम सिलेक्ट करूँगी जो पढ़ाना सिखाएंगी। ये जो निक्की मैम है ये मुझे बहुत पसंद है। ते हैं हमारे मेन क्लास की तरफ, ये है निक्की मैम। अब ये आपको आज पढ़ाई सिखाएंगी। ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। आप चाहें तो मैम को बिठा भी सकते हैं और या खड़ा भी रख सकते हैं। तो जैसे अब मैम क्या सिखाएंगी यहाँ पर, हम सबसे पहले इसके अंदर टेक्स्ट भी ले लेते हैं। वापस से मैं जाती हूँ ब्लू वाले में और वहाँ से मैं ऐड कर लेती हूँ टेक्स्ट। यहाँ पर हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैम अगर पढ़ाना चाहती हैं ए टू, या हम सिर्फ ए ही पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, आप ये इवन अपना जो साउंड है वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैम पढ़ाना चाहती हैं ए फॉर एप्पल। अब मैं इसको रिसाइज कर लेती हूँ अपने बोर्ड के हिसाब से। ये मैम पढ़ा रही हैं ए फॉर एप्पल, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा ना फ्रेंड्स, तो हम चाहते हैं कि मैम इवन एक एप्पल भी दिखाएं। तो यहाँ पर हम जाते हैं इम्पोर्ट इमेज पर और वहाँ से जो मेरी गैलरी है मैं वहाँ पर जाऊँगी। मैं यहाँ पर मैं गई डाउनलोड में, यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से एप्पल। अब एप्पल सिलेक्ट हो गया है, इसको मैं वापस वैसे ही रखती हूँ और एप्पल को मैं रीसाइज कर लेती हूँ। तो एप्पल को हम छोटा कर लेते हैं हमारे बोर्ड के हिसाब से। ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है बट एनीवेज मैं इसे ठीक कर लेती हूँ। और ये कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल। तो ये मैम ने यहाँ पर एप्पल भी रख दिया है, ए फॉर एप्पल भी बोल दिया है। अब इसमें और क्या चीज़ बाकी है फ्रेंड्स, इसमें मैम का साउंड नहीं आ रहा है। अभी आपको दिख तो रहा है लेकिन ये जब भी बेनिफिट होगा इसका जब मैम इसको अपने तरीके से पढ़ाएंगी। तो ये हम जाते हैं अब आप सुन सकते हैं कि मैम कैसे बोल रही हैं। मैम ए फॉर एप्पल, एप्पल, ए फॉर एंड, एंड। अब ये और ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये वीडियो, क्योंकि बच्चों को साथ में दिख भी रहा है एप्पल और जो एप्पल बना भी हुआ है और साथ में मैम गा भी रही हैं। अब इसी के साथ साथ हम इसके अंदर और भी चीज़ें, हम और स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। ये जो प्लस का साइन बना हुआ है यहाँ पर, इससे हम एक और स्लाइड लेकर और कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। या हम साथ में यहाँ से एप्पल हटा देंगे और साथ में एप्पल की जगह हम यहाँ पर बॉल भी सिखा सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट वीडियोज़ हो सकते हैं। और साथ में ही हम इसके अंदर और क्या ले सकते हैं, म्यूज़िक भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और यहाँ से म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर मैंने ये ले लिया है फनी, बजाकर देखूँगी कैसा लग रहा है ये या ये। इसी तरह हम इनको भी डिफरेंट म्यूज़िक यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया मैंने और ए फॉर एप्पल, एप्पल, ए फॉर एंड, एंड। और
ये साथ में हमारा म्यूज़िक भी चला। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, बेनिफिशियल है या नहीं, ये मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप भी क्रिएट करिए, अपनी ओन स्टोरीज़ क्रिएट करिए इसके थ्रू। ये ट्वीन क्राफ्ट बहुत ही अच्छा ऐप है और बहुत ईजी टू यूज़ है। और बाय बाय फ्रेंड्स, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।